अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, कम कम आ रही है, समझ नहीं आ रही। बेटा अब ठीक है? मैम माइक करीब करें। मैम बिल्कुल सही आ रही है आवाज। कम आ रही है लेकिन सही आ रही है। आपकी आवाज नहीं जा रही, उनको जा नहीं रही बिल्कुल। हाँ जी, वो कह रहे हैं सही नहीं आ रही, कम आ रही है। हैंड्स फ्री या माइक वगैरह नहीं यहाँ पर? ठीक है, अब ठीक आ रही है बच्चों आवाज? जी मैम अब ठीक आ रही हूँ। यस मैम अब ठीक है। थोड़ा क्लोज रखें। वैसे मैं इसकी दूसरी वायरलेस को लगा देता हूँ। ठीक है, सही है, तो मैं इसको क्लोज रख जी, देती हूँ। इससे आपकी वो मल्टीमीडिया वैसे भी यूज नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में तो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है मैम, मिड का सिलेबस एक दफा रिवाइज कर दें। बेटा मैंने एलएमएस पे मिड का सिलेबस अपलोड कर दिया, जिसमें आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रासाउंड है, लेजर है, सर्वाइकल ट्रैक्शन है। ठीक है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। और हेलियोथेरेपी, ठीक है, ये सर्वाइकल ट्रैक्शन हम आज पढ़ेंगे। बेटा अभी लेक्चर्स कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? बेटा अपने माइक्स म्यूट रखें, आप लोग अपने माइक खोल लेंगे तो मेरी आवाज और भी कम हो जाएगी फिर। ठीक है, इस तरह डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाती है। जी, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, हेलियोथेरेपी एंड सर्वाइकल ट्रैक्शन, ये आपके मेड्स का सिलेबस है। सर्वाइकल ट्रैक्शन जो है और लंबर ट्रैक्शन, ट्रैक्शन बेसिकली ये हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, एक ही पैटर्न क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज? नहीं बेटा, ऑन कैंपस आपकी मिड्स हैं तो एमसीक्यूज ही होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे फिर। ठीक है, ओके मैम, चलें ठीक है, हम स्टार्ट। इस तरह का आपके पास यूनिट होता है, ट्रैक्शन यूनिट, ठीक है, जिसमें बेल्ट्स होती हैं, हार्नेस होते हैं। पेशेंट को आपने एक जगह स्टेबलाइज करना होता है। सबसे पहले पेशेंट की पोजीशनिंग जो है ट्रैक्शन देते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर ट्रैक्शन की टाइम पे पोजीशन पेशेंट की फॉल्टी है, वो आपने ठीक से सेट नहीं की पेशेंट की पोजीशन, तो बजाय उसके कोई बेनिफिट्स के उल्टा आप पेशेंट की स्पाइन को डैमेज करते हो। ठीक है, तो पेशेंट पोजीशनिंग का बहुत ख्याल रखते हैं इसमें, और एंगल्स का बहुत ख्याल रखते हैं, ये जो हार्नेस है इससे स्टेबल करते हैं पेशेंट को। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ट्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स टू द स्पाइन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ट्रैक्शन होती क्या है? बेसिकली ट्रैक्शन आप कहते हैं जो आप लॉन्गिट्यूडनली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, जो आप कंप्रेशन फोर्स देते हैं दैट इज समथिंग एल्स, और जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स देते हैं किसी चीज को अपार्ट करने के लिए दैट इज
ट्रैक्शन। ठीक है, स्पाइन को देते हैं, स्पाइनल जॉइंट्स में जो आपके वर्टिब्री के बीच में सारे जॉइंट्स हैं, सर्वाइकल स्पाइन में, लंबर स्पाइन में, दो स्पाइन्स में बेसिकली ज्यादा ट्रैक्शन दी जाती है ताकि उनके बीच में जो कंप्रेशन है, जो नर्व्स कंप्रेस हुई हुई हैं, कोई डिस्क बल्ज है, डिस्क प्रोलैप्स है, हर्निएशन है, ये सारी चीजें इफ ट्रीटेड विद ट्रैक्शन पॉसिबल, अगर उनकी ट्रीटमेंट है तो आप ट्रैक्शन देके उनको ट्रीट कर सकते हैं। कैन बी अप्लाइड विद कॉन्टिन्यूस और इंटरमिटेंट टेंशन। कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन भी दे सकते हैं कि ट्रैक्शन दे के रखी है पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी पॉज और विदाउट एनी ब्रेक, और इंटरमिटेंट टेंशन ये होती है कि आपने अप्लाई की है ट्रैक्शन और फिर पॉज आएगा, फिर दोबारा ट्रैक्शन, फिर पॉज आता है, फिर ट्रैक्शन, फिर पॉज आता है, इंटरमिटेंट हो जाती है वो। मे बी अप्लाइड मैनुअली और विद अ मैकेनिकल डिवाइस। मैनुअली भी फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ट्रैक्शन दे सकते हैं, पहले बिल्कुल मैनुअली दी जाती थी लेकिन अब ट्रैक्शन के लिए ट्रैक्शन बेड्स होते हैं, ट्रैक्शन के स्पेशल बेड्स होते हैं और प्रॉपर सेटअप होता है। सर्वाइकल ट्रैक्शन का डिफरेंट मशीन होती है, डिफरेंट सेटअप है, लंबर ट्रैक्शन की डिफरेंट टाइप ऑफ बेड का सेटअप है। आपको जो मैकेनिकल डिवाइसेस से दी जाती है ट्रैक्शन, उसमें फोर्स और सारा कुछ आप इनपुट कर देते हो मशीन में कि कितनी फोर्स अप्लाई करनी है और कैसे करनी है, वो सारा का सारा वो मशीन वर्क करती है, आपने लेकिन मॉनिटर करना होता है। टाइप सबसे पहले देख लेते हैं जी, टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन क्या है। आपके पास तीन टाइप्स होती हैं ट्रैक्शन की। सबसे फर्स्ट आपके पास है जी कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा कि ट्रीटमेंट इज अप्लाइड फॉर सेवरल आवर्स एट अ टाइम। ठीक है, काफी टाइम के लिए ट्रैक्शन आपने पेशेंट को दे के रखी है इन अ सिंगल पोजिशन। कॉन्स्टेंट टेंशन होती है इसमें, लिमिटेड वेट टॉलरेटेड ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन। इसमें बहुत ज्यादा वेट हम नहीं पुट करते, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम के लिए, आवर्स के लिए आप एक ट्रैक्शन दे रहे हो, तो इसीलिए वेट बेरिंग इसमें हम ज्यादा नहीं करवाते। नॉर्मली अप्लाइड विद सस्पेंडेड वेट्स। सस्पेंडेड वेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, शोल्डर की अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने किसी पेशेंट के हाथ में वेट रख दिया और उसे हमने कहा है एक पोजीशन में कंफर्टेबल में बिठा दिया और हमने उसे कहना है कि बैठे पकड़ के, तो ये एक ट्रैक्शन आ रही है ड्यू टू द ग्रेविटी, ड्यू टू वेट, और वो काफी देर उस पोजीशन में बैठा रहेगा तो ये कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ ट्रैक्शन हो जाएगी जिसमें हम उसको कोई पॉज नहीं करने दे रहे बीच में। मैम वेट बेरिंग हम लोग ज्यादा क्यों नहीं करवाएंगे? जी बेटा, मैम कॉन्टिन्यूस में वेट बेरिंग ज्यादा क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि काफी टाइम के लिए आपने पेशेंट को, आवर्स के लिए, लाइक 1-3 आवर्स आपने पेशेंट को एक पोजीशन में रखना है, तो अगर बहुत ज्यादा वेट बेरिंग करा दोगे तो मसल फटीग हो जाएंगे। ठीक है, आपने साथ साथ फटीग तो नहीं ना कॉज करनी, आपने तो उसकी फटीग और उसका पेन को रिलीव करना है। आप ऑपोजिट वही बात मैं कर रही हूँ, अगर ट्रैक्शन ठीक से नहीं दी जाती तो बजाय कि उसके एडवांटेजेस हों, आप पेशेंट के लिए हार्मफुल सर्कमस्टांसेस कॉज कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए एंगल ऑफ पुल, वेट, कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सस्टेन्ड ट्रैक्शन जो है, सस्टेन्ड ट्रीटमेंट अप्लाइड विद कॉन्स्टेंट टेंशन फॉर सेवरल मिनट्स अप टू हाफ आवर। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट टेंशन आपने अप्लाई किया, टेंशन मीन्स द फोर्स। ठीक है, जो फोर्स है, लॉन्गिट्यूडनल पुल है, जो ट्रैक्शन आपने अप्लाई की है फॉर सेवरल मिनट्स अप टू हाफ एन आवर। ठीक है, मे बी अप्लाइड वाया द सस्पेंडेड वेट्स और अ मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस ये जो मशीन्स या जो बेड्स हैं इनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और सस्पेंडेड वेट्स भी इसमें अप्लाई हो सकते हैं। जो कॉन्टिन्यूस ट्रैक्शन थी वो आप वेट्स के थ्रू ही देते हो, उसमें मोस्टली आप जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो यूज नहीं करते। देन देयर इज इंटरमिटेंट मैकेनिकल। इंटरमिटेंट का मतलब कि आपने पॉज के साथ करना है, और मैकेनिकल का मतलब कि विद द हेल्प ऑफ मशीन, नॉट बाय द हैंड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ट्रीटमेंट इज अप्लाइड वाया अ मैकेनिकल डिवाइस विद टेंशन अल्टरनेटिवली अप्लाइड एंड देन रिलीज्ड। मशीन जो होती है उसमें टाइम सेट कर देते हैं हम, रेशो सेट कर देते हैं कि 2:1, 3:1, 4:1 कि इतने टाइम के लिए ट्रैक्शन होगी और इतने टाइम का पॉज है। 3 टाइम्स ट्रैक्शन में रहेगा पेशेंट, 1 टाइम्स उसका पॉज आ रहा है बीच में। ठीक है, तो ये इंटरमिटेंट इसलिए हो गई बिकॉज आपने साथ साथ पॉज या होल्ड एंड रेस्ट की जो है ना कंडीशन होती है इसमें, टर्म्ड होल्ड एंड रेस्ट। होल्ड एंड रेस्ट टाइम्स यूजुअली वेरी फ्रॉम अ फ्यू सेकंड्स अप टू अ मिनट। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं कि बिल्कुल छोटा सा आप टाइम रख सकते हैं रेस्ट का, या फिर आप मिनट्स के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी रख सकते हो। देन देयर इज द फोर्थ टाइप व्हिच इज मैनुअल। नाउ मैनुअल ट्रैक्शन जो होती है, दिस इज अप्लाइड बाय द थेरेपिस्ट grasping the patient and utilizing his or her own force to create traction.
प्रैक्टिस के बाद आपको मैनुअल ट्रैक्शन देनी आती है, ठीक है? आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आप एक सीखते हो मैनुअली ट्रैक्शन देना, क्योंकि बहुत फोर्स लग रही होती है. मैनुअल ट्रैक्शन अच्छी होती है, आपको पता होता है आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो. पेशेंट आपको बता देते हैं जी इतना मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, ठीक है, वो आपको मैनुअली बता रहे हैं आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है और वो यही है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपनी बैक पे या अपने किसी ज्वाइंट पे बहुत ज्यादा वेट ले लेता है और यूँ अपना कोई ज्वाइंट या अपनी बैक उसकी जो है ना वो प्रेशर के अंदर आ जाती है. इसीलिए मैकेनिकल डिवाइसेस जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होती हैं. मे बी अप्लाइड फॉर अ सेवरल सेकेंड होल्ड, सेवरल सेकेंड्स के लिए, अप टिल मिनट्स के लिए. आपको ज्यादा देर के लिए मैकेनिकल ट्रैक्शन आप मैनुअल ट्रैक्शन आप नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट खुद भी एक दो मिनट से एक घंटे के लिए तो वो पेशेंट को खींच के नहीं रख सकता ना एक पोजीशन में, तो ये थोड़े टाइम के लिए होती है. लिमिटेड बाय स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द थेरेपिस्ट, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की अपनी स्ट्रेंथ अपनी एंड्योरेंस जो है उसका बहुत रोल होता है. वेरी अकोमोडेटिंग एंड प्रोवाइड्स फीडबैक, पेशेंट्स के लिए अकोमोडेटिंग होती है, वो फीडबैक अच्छी प्रोवाइड हो जाती है. इसमें आपको खुद भी पता चल रहा होता है कि आप ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, पेशेंट कि किस पॉइंट पे कर रहे हो, वो कहाँ फील कर रहे हैं, कितनी ट्रैक्शन दे रहे हो, ये सारा आपको मैनुअली पता होता है. लेकिन अगेन इसके दो ही वो हैं कि एक तो फिजियोथेरेपिस्ट की अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और सेकेंडली कि आप ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं रख सकते. अब ये जो है ना ये मैकेनिकल ट्रैक्शन मैनुअल ट्रैक्शन है. मैनुअल ट्रैक्शन किस तरह है कि वो सेटअप है, यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट आप देख सकते हैं अपनी फोर्स लगा रही है, ठीक है? जब अपनी फोर्स से ट्रैक्शन हो रही है दिस इज द मैनुअल ट्रैक्शन. देन सेकेंड थिंग वाइल गिविंग ट्रैक्शन इज द पोजिशन. पोजिशन जो है वो पेशेंट की बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उस पर ट्रैक्शन के, फोर्स जो है वो किस एंगल में और किस पोजिशन में आपने अप्लाई कर लिया है. ट्रीटमेंट अप्लाइड बाय द यूज ऑफ ग्रेविटी एंड पोजिशनिंग टू अफेक्ट स्पाइनल स्ट्रक्चर विद मिनिमल इंटरवेंशन. ग्रेविटी की हेल्प से भी ट्रैक्शन दे सकते हैं. इस तरह पेशेंट की सिटिंग करानी है कि आपने जिस ज्वाइंट पे उसको ट्रैक्शन देनी है, जिस ज्वाइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो उसमें ग्रेविटी असिस्ट कर रही हो स्पाइनल स्ट्रक्चर्स को. मिनिमल इंटरवेंशन, उसमें आप मशीन्स को या किसी मैकेनिकल डिवाइस को कम यूज करते हो. पिलो यूज कर लेते हैं, ब्लॉक्स यूज कर लेते हैं. नॉर्मली हैज अ यूनिलेटरल इफेक्ट. ये जिस तरह इसमें इसमें क्या है, सर्वाइकल ट्रैक्शन आ रही है, नीचे ये ब्लॉक रखा हुआ है पेशेंट के, और ये ग्रेविटी असिस्टेड है, ठीक है? ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी फोर्स करिए हेड को नीचे, और हेड का अपना वेट है जो वो ग्रेविटी के साथ सर्वाइकल ट्रैक्शन नेक पे ट्रैक्शन आ रही है, ठीक हो गया? इसमें कोई हमने डिवाइस यूज नहीं की, कोई मैन्युअली फिजियोथेरेपिस्ट ने हैंड यूज नहीं किया. इसमें ब्लॉक्स यूज किए हैं, पिलोज यूज कर सकते हैं, और ग्रेविटी असिस्टेड है, ठीक हो गया? नाउ द पर्पज ऑफ ट्रैक्शन, क्या एडवांटेजेस क्या है ट्रैक्शन के? रीगेन द नॉर्मल लेंथ एंड अलाइनमेंट ऑफ द इन्वॉल्व बोन, ठीक है? लेंथ और अलाइनमेंट बोन की करेक्ट होती है, नॉर्मल होती है. लेसन एंड एलिमिनेट्स द मसल स्पैज्म, मस्कुलर स्पैज्म जो है वो कम होता है. रिलीव्स प्रेशर ऑन नर्व्स, नर्व्स के ऊपर जो प्रेशर होता है, फॉर एग्जाम्पल शैटिका में लंबर ट्रैक्शन बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है? शैटिका में आपकी शैटिक नर्व अगर कंप्रेस हो रही है फ्रॉम योर लंबर ज्वाइंट्स, ठीक है? लंबर ज्वाइंट्स के बीच में से वो कहीं उसके नर्व रूट्स कंप्रेस हो रहे हैं शैटिका के, तो वर्टिब्रल ज्वाइंट्स को ट्रैक्शन देंगे, वो एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द ट्रैक्शन और नर्व रिलैक्स हो जाती है, ठीक है? नर्व के ऊपर जो प्रेशर होता है वो रिलीफ हो जाता है. शैटिका के केस में इट्स वेरी हेल्पफुल. प्रिवेंट और रिड्यूस स्केलेटल डिफॉर्मिटीज और मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्चर्स, दीज आर द एडवांटेजेस और पर्पजेज ऑफ ट्रैक्शन. इंडिकेशंस क्या है मसल स्पैज्म के केस में? आप देनी है आपने डिजेनरेटिव डिस्क डिजीजेस होती हैं जिसमें हर्निएशन आ जाती है या प्रोट्रूड करिए डिस्क, ठीक है? डिस्क हर्निएट कर जाती है, इसमें आप ट्रैक्शन दे सकते हो. हर्निएटेड और प्रोट्रूडिंग डिस्क, नर्व रूट की कंप्रेशन हो रही है एज इन द केस ऑफ शैटिका. फेसेट जॉइंट्स की कोई पैथोलॉजी है उनको अलाइन करना है. ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उस केस में आप अप्लाई नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है? लेकिन माइल्ड केसेस जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी स्टार्ट ही हुआ है वर्टिब्रल जॉइंट्स का, आप दे सकते हो. लेकिन अगर ज्यादा हो गए तो फिर आपने नहीं देनी. कैप्सुलाइटिस ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, वर्टिब्रल जॉइंट्स की कैप्सूल की अगर इन्फ्लेमेशन है उसको रिलीफ करने के लिए. एंटीरियर पोस्टीरियर जो लिगामेंट्स होते हैं आपके स्पाइन के साथ लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स, उनकी पैथोलॉजी की केस में, उनकी शॉर्टनिंग के केस में आप सर्वाइकल या लंबर जो भी ट्रैक्शन देनी है स्पाइन को, स्पाइनल ट्रैक्शन दे सकते हैं. ये डिस्क हर्निएशन की फॉर एग्जांपल एक एमआरआई यहाँ पे
ये आप जगह देख सकते हैं, यहां से डिस्क पीछे की तरफ प्रोट्रूड कर गई है, हर्निएट कर गई, ठीक है, डिस्क बल्ज आउट कर गई है, इसको कहते हैं डिस्क हर्निएशन और डिस्क प्रोट्रूजन, ठीक है, एमआरआई में बहुत क्लियरली ये नजर आ जाती है। ये देखें, इन केसेस में ट्रैक्शन बहुत इफेक्टिव होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, अब जब आपने अप्लाई नहीं करनी बिल्कुल भी ट्रैक्शन, अनस्टेबल स्पाइन, डिजीजेस अफेक्टिंग वर्टिब्री और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग कैंसर एंड मेनिनजाइटिस। कैंसर के केस में, मेनिनजाइटिस के केस में, मेनिनजाइटिस में क्या होते हैं, जो मेनिंजेस होती हैं आपकी ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं, तीन मेनिंजेस आपकी, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस केस में आप बिल्कुल भी ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करते। वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, अगर कोई वर्टिब्री में फ्रैक्चर है आप अप्लाई नहीं करते, अदरवाइज वो फ्रैक्चर फर्दर आप उसको ज्यादा वर्टिब्री को डैमेज करोगे। एक्सट्रूडेड डिस्क फ्रेगमेंटेशन, अगर जो प्रोट्रूजन हुई है डिस्क की और वो बिल्कुल ब्रेक हो गई है, एक्सट्रूड हो गई है, निकल आई है बिल्कुल, तो भी आप ट्रैक्शन नहीं देते। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन जो है, अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है तो आप नहीं देते, अगर वर्टिब्री जो है आपस में कंप्रेस हो रहे हो तो फिर आप ट्रैक्शन देते हो, तब तो इंडिकेशन है, लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है तो फिर ट्रैक्शन नहीं देनी। कंडीशंस इन विच फ्लेक्शन और एक्सटेंशंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि मोस्टली स्पाइन की कहीं ना कहीं फ्लेक्शन या एक्सटेंशन की पोजीशन बना के ट्रैक्शन दी जाती है, और अगर कोई ऐसी कंडीशंस हैं कि पेशेंट को फ्लेक्शन या एक्सटेंशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कोई हीलिंग हो रही है वहां पे, कोई वूंड है, कोई फ्रैक्चर है एक्यूट स्टेज में, उसकी हीलिंग है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मूवमेंट, तो उन कंडीशंस में भी अप्लाई नहीं करना। और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, जब आपकी बोन्स बिल्कुल पोरस हो जाती हैं, अदरवाइज वर्टिब्री ब्रेक होने के चांसेस होते हैं अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। प्रिकॉशंस हैं जी, कंडीशंस शुड हैव बीन इवैल्यूएटेड बाय अ फिजिशियन, ठीक है, सारी कंडीशंस पहले पेशेंट की क्लियर होती है, फिजिशियन उसे रिकमेंड करता है कि जी ट्रैक्शन के लिए ऑल ओके है पेशेंट। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट शुड बी परफॉर्म थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, अगर आप मैकेनिकल भी दे रहे हैं, आपने मशीन सेटअप कर दिया, आप पेशेंट के साथ खड़े रहते हैं और पेशेंट के हाथ में एक अलार्म पिन दे दी जाती है, एक बटन सा होता है, अलार्म कहें या उसे बटन कहें, थ्रू आउट द ट्रीटमेंट वो अपने हाथ में रखता है, जब कहीं ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द सर्वाइकल ट्रैक्शन, क्योंकि जब आप सर्वाइकल ट्रैक्शन, नेक को ट्रैक्शन मिल रही है, तो अक्सर पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर लो होना या इस तरह चक्कर आने वाली जो डिजीनेस है, फेंटनेस है, ये हो सकता है। तो जब पेशेंट कुछ इस तरह का फील करे, नोजिया, डिजीनेस, फेंटनेस, या फिर कुछ भी उसको फीलिंग्स आए अजीब थोड़ी सी एबनॉर्मल तरह की, तो वो अलार्म प्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो आप वहीं पर अपनी ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हो। एक, आप उसको मॉनिटर करते रहते हो, सेकेंडली जैसे ही वो बटन प्रेस करते हैं तो आपको अलार्म मशीन बजाती है और वहीं पे ट्रीटमेंट पॉज हो जाती है। कैन कॉज थ्रोम्बोसिस ऑफ इंटरनल जगुलर वेन इफ एक्सेसिव ड्यूरेशन और ट्रैक्शन वेट इज यूज्ड, अगर बहुत ज्यादा ड्यूरेशन या बहुत ज्यादा वेट यूज हो गया तो इंटरनल जगुलर वेन में भी थ्रोम्बोसिस होने का चांस होता है, इसीलिए आप बहुत मॉनिटर करके अप्लाई करते हो ट्रैक्शन। अब ये मैकेनिकल ट्रैक्शन है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, इसमें पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपनी मैनुअली कोई ट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर रहा, एक एंगल सेट कर दिया है उन्होंने, ठीक है, नेक को सर्वाइकल ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे उन्होंने हेड फिक्स कर दिया, ठीक है, ताकि मूव ना करे, ठीक है, फोरहेड से, यहाँ से, चिन से भी होता है, यहाँ से भी फिक्सेशन होती है, फोरहेड पे भी फिक्सेशन हो सकती है, और ये देख लें आप, इन्होंने हाथ में भी एक अपना छोटा सा अलार्म पकड़ा है कि ये प्रेस कर देंगे बटन इफ द पेशेंट फील्स अनकंफर्टेबल और डिजी, यहाँ से जो सेटअप है यहाँ से मशीन इन्हें पुल करेगी, ठीक है, बाकी ये यहाँ पे फिक्स्ड है इनकी पोजीशन सुपाइन लाइन में। एप्लीकेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स टू द सर्वाइकल स्पाइन एंड स्ट्रक्चर्स, अब हम सर्वाइकल ट्रैक्शन पे आ गए हैं, कि सर्वाइकल स्पाइन और उसके साथ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट्स वगैरह हैं, फेसर जॉइंट्स हैं, सब पे एक ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई होती है। टेंशन अप्लाइड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पाउंड्स और परसेंटेज ऑफ द पेशेंट्स बॉडी वेट, कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, टेंशन जो आप अप्लाई कर रहे हो या फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो कितनी करनी है, ये डिपेंड करती है पेशेंट्स के बॉडी वेट पे, ठीक है। एट 7% ऑफ पेशेंट्स बॉडी वेट वर्टिब्रल सेपरेशन बिगिंस, पेशेंट का जितना भी वेट है उसका 7% जो होता है बॉडी वेट, उस पर आपके वर्टिब्री की सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है उतनी फोर्स अप्लाई करने पर।
ठीक है. ह्यूमन हेड अकाउंट्स फॉर 8.1% ऑफ बॉडी वेट. ठीक है, आपके जो बॉडी टोटल बॉडी वेट है उसका ऑलमोस्ट 8.1% जो होता है वो हेड का वेट होता है. 8 to 14 pounds जो है दिस इज ऑलमोस्ट एवरेज फॉर अप्लाइंग द सर्वाइकल ट्रैक्शन. वाइड इन एरियाज जो लंबर है उसमें आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो, सर्वाइकल में आप कम अप्लाई करते हो. यू वॉन्ट फोर्स टू बी अबाउट 20% ऑफ द बॉडी वेट. सर्वाइकल ट्रैक्शन के केस में अपर लिमिट 20% होती है कि आप 20% ऑफ द बॉडी वेट तक जा सकते हो इन केस ऑफ सर्वाइकल ट्रैक्शन. सर्वाइकल ट्रैक्शन के पोजीशंस हैं, सिटिंग पोजीशन में भी अप्लाई हो सकती है और सुपाइन पोजीशन में भी हो सकती है. सिटिंग पोजीशन में अ ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू अप्लाई द सेम प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी देन इफ सुपाइन. क्योंकि पेशेंट बैठा हुआ है, ग्रेविटी जो है उसकी को नीचे की तरफ अप्लाई करिए, ट्रैक्शन आपने उसकी गर्दन को ऊपर की तरफ देनी है, तो इसीलिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है. सुपाइन रीजन में क्या होता है, लंबर सपोर्ट द लंबर रीजन, बेंड नीज, यूज नी एलिवेटर, पिलो कुछ भी यूज कर सकते हैं, फीट कुछ चेयर पे रख सकते हैं. ठीक है, सुपाइन पोजीशन में सर्वाइकल ट्रैक्शन बहुत अच्छी दी जाती है और ज्यादा रिकमेंडेड यही है कि सुपाइन पोजीशन में दें. अलाउज द मसल्स टू रिलैक्स. इफेक्ट्स आपके पास होते हैं, सर्वाइकल ट्रैक्शन कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पजेस. It can be used to help decrease compressive forces in the neck, which can help take pressure off the disc that resides between the vertebrae, spinal bones in the neck. वही बात है कि disc पे pressure आ रहा है आपकी intervertebral disc पे, तो उसके लिए भी use की जाती है. Compressive forces जो neck पे आ रही है उनको release करने के लिए traction use करते हैं. It can also open up the spaces where the nerve exits. जो nerve roots जहां से exit हो रही होती है, जहां compression आई होती है, ठीक है, वहां से प्रेशर को रिलीव करने के लिए भी सर्वाइकल ट्रैक्शन देते हैं. ट्रैक्शन कैन आल्सो हेल्प स्ट्रेच द मसल्स एंड जॉइंट स्ट्रक्चर्स अराउंड द नेक. और ऑब्वियसली ट्रैक्शन दे रहे हो तो स्ट्रेचिंग का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा. इफेक्टिवनेस ऑफ सर्वाइकल ट्रैक्शन. सर्वाइकल ट्रैक्शन हैज बीन लिंक्ड टू 5 मैकेनिकल फैक्टर्स: पोजिशन ऑफ द नेक, फोर्स अप्लाइड, ड्यूरेशन ऑफ ट्रैक्शन, angle of pull and position of the patient. These are the 5 things you have to keep in mind while applying cervical traction. So what is the position of neck? What is the force you have to apply? Kitni force apply karni hai? Kitni duration ke liye karni hai? Kis angle pe pull hoga? Aur position kya hogi patient ki throughout the treatment? Cervical treatment setup: neck is placed in 25 to 30 degree of flexion. Thodi si, bilkul slight si flexion. ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं, बिल्कुल स्लाइट सी होती है 25 डिग्री. बॉडी जो है दिस मस्ट बी स्ट्रेट अलाइनमेंट. बी अवेयर दैट द सर्वाइकल स्पाइन ट्रैक्शन कैन कॉज रेसिडुअल लंबर नर्व रूट पेन इफ इम्प्रॉपरली सेटअप. अगेन वो यही कह रहे हैं कि अगर आपने एंगल ठीक नहीं रखा या फिर आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी है तो सर्वाइकल स्पाइन की ट्रैक्शन के साथ साथ आप लंबर रूट्स जो आपकी लंबर वर्टिब्रा हैं वहां से जो नर्व रूट्स एग्जिट हो रही हैं उनमें भी पेन अराइज हो सकता है. ठीक है, अगर इम्प्रॉपर सेटअप है. ड्यूरेशन जो है 10 to 20 minutes इज मोस्ट कॉमन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइस. ठीक है, इतनी ही ट्रैक्शन दी जाती है सर्वाइकल वर्टिब्रा पे, सर्वाइकल स्पाइन पे. रिमूव एनी ज्वेलरी, ग्लासेस और क्लॉथिंग दैट में इंटरफेयर. प्लेस सुपाइन, प्लेस पिलोज एक्सेट्रा अंडर द नीज. Secure strap to the cervical region, placing pressure on occipital process and chin, minor amount. वो जो strap दिखाया था जो आपके occipital और forehead पे आगे से frontal bone और पीछे से occipital bone, यहाँ पे आप strap कर देते हो ताकि patient का head fix हो जाए. Align unit for 25 to 30 degree of neck flexion. Remove any slack in the pulley cable. जो भी pulley है जिसने ट्रैक्शन अप्लाई करनी है उसकी जो केबल है उसमें कोई लूजनिंग ना हो, कोई स्लैक ना आ रहा हो, टाइट हो. ऑन ऑफ सीक्वेंस को आप सेट कैसे करते हैं मशीन पे, 3:1 या 4:1. अब ये क्या चीज है ऑन ऑफ सीक्वेंस, कि 3 times जो है वो आपको ट्रैक्शन आ रही है. फॉर एग्जाम्पल 15 minutes आपको 15 seconds ट्रैक्शन आ रही है, फिर 5 seconds होल्ड रेस्ट है, फिर 15 seconds ट्रैक्शन आएगी, फिर 5 seconds रेस्ट है. दिस इज 3:1 ऑन ऑफ सीक्वेंस. या 4:1 भी आप कर सकते हो कि 20 seconds आपको ट्रैक्शन आ रही है, फिर 5 seconds रेस्ट है. फॉलोइंग ट्रीटमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस टेंशन.
आहिस्ता आहिस्ता आपने टेंशन फोर्स जो आपकी है वो आपने कम करते जानी है. हैव पेशेंट रिमेन इन अ पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स आफ्टर ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट से बिल्कुल एकदम ही आपने कह देना है कि खड़े हो जाएं. सर्वाइकल ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपकी वेन्स जो है उनका ब्लड पंपिंग एक्शन, इंटरनल जगुलर वेन है, कैरोटिड आर्टरीज है, इनका स्लो डाउन हो जाता है. ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. आपने पेशेंट को एकदम नहीं कह देना होता ट्रैक्शन रिमूव किए खड़े हो जाओ, वरना पेशेंट फेंट हो सकता है, गिर सकता है. तो उसको कुछ मिनट्स के लिए उस पोजीशन में वैसे ही लेटे रहने देते हैं, या फिर उसे कहते हैं कि साइड लाइन में आ जाए और आहिस्ता आहिस्ता फिर उठें. ये सिटिंग में आ रही है सर्वाइकल ट्रैक्शन. ठीक है, पेशेंट सिटिंग पोजिशन में है, ये उसकी ये स्ट्रैप्स लगा दी है और यहाँ से ये पुली है, पुली के थ्रू जो ट्रैक्शन आ रही है, ये रोप है और ये पुली, और यहाँ पे वेट हैंग कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वेट हैंग कर दिया. अब जितना वेट होगा वो फोर्स है, फोर्स है या टेंशन है वो वेट है. फॉर एग्जांपल 10 पाउंड्स वेट ऐड कर दिया. ठीक है, बिकॉज 8 टू 14 पाउंड्स एवरेज है, तो आप निकाल लेते हो कि पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकते हो, उतना वेट ऐड कर देंगे और यहाँ पे यूं सिटिंग पोजिशन में ट्रैक्शन आ रही है. मैम, ये पीछे स्लैक था स्लाइड के ऊपर, वो क्या है? रिमूव द स्लैक. क्या बेटा? मैम पीछे स्लाइड पे लिखा हुआ था ना कि रिमूव द स्लैक, रिमूव एनी स्लैक इन पुली केबल. रोप है ना, ये रोप है ना, ये रोप है. ठीक है, ये जो ये रोप जा रहा है इसमें कोई लूजनिंग ना हो. ठीक है, कहीं से रोप में कोई स्लैक ना हो. ओके मैम. ठीक है, स्लैक कहते हैं जो रोप के अंदर कोई लूज सा पोजीशन बन जाती है, लूज है कहीं से, रोप बिल्कुल यहाँ टाइट है. अब देख रहे हो ना पुलिस के अंदर से जो रोप पास कर रहा है उसके बारे में लिखा हुआ है कि रिमूव एनी स्लैक इफ प्रेजेंट. ठीक है, ये मशीन के थ्रू हो रही है. अब ये मैकेनिकल है आपकी ट्रैक्शन. ये पेशेंट लाइंग पोजीशन में है, सुपाइन लाइंग में. ठीक है, उसका आपने ये फोरहेड और यहाँ पीछे से ऑक्सीपिट बोन यहाँ पे फिक्स कर दी है और ये ट्रैक्शन आ रही है. ठीक है, इस तरह. ये भी पुलिस के थ्रू ही हो रही है, लेकिन ये मशीन मॉनिटर कर रही है. यहाँ पे मशीन मॉनिटर नहीं कर रही, यहाँ पे आप जो है ना मैनुअली कोई फोर्स या वेट ऐड कर रहे हो. यहाँ पे मशीन के अंदर आपने सेटअप कर दिया जी इतना वेट या इतनी फोर्स जो है वो होगी, इतने टाइम के लिए होगी, ये रेशो है होल्ड की और रेस्ट की. ठीक है, कॉमन कंडीशंस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी. कोई भी सर्वाइकल नर्व ब्लॉक है, नर्व्स की रेडिक्यूलोपैथी है, कोई हर्निएटेड या बल्जिंग डिस्क है नेक में, अर्थराइटिस है नेक का, नेक में स्ट्रेन है, सर्वाइकल मसल का स्पैज्म है, इन सारी कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन टू रिलीव द पेन एंड मस्कुलर स्पैज्म. फिर आ जाते हैं हम लंबर ट्रैक्शन पे. सेम उसी तरह होती है लंबर ट्रैक्शन इसमें, लेकिन फोर्स आप ज्यादा अप्लाई करते हो. उसमें था एटलीस्ट यू कैन से उसमें मैक्सिमम जो था वो 20% ऑफ बॉडी वेट था, जो मैक्सिमम अपर लिमिट थी. इसमें आप हाफ ऑफ द बॉडी वेट तक जा सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4 टिल हाफ ऑफ द बॉडी वेट ऑफ पेशेंट आप इतनी फोर्स अप्लाई कर सकते हो. अगर पेशेंट 80 kgs का है तो आप 20 से लेकर 30 अपर लिमिट यानी कि 40 kgs तक उसको जो है फोर्स अप्लाई कर सकते हो ऑन द लंबर एरिया ट्रैक्शन के लिए. To be effective, lumbar traction must overcome the lower extremity weight, 1/4 of or half of the body weight. Friction is a strong counter force against lumbar traction. अब lumbar traction में ये होता है कि अगर patient को simple एक bed पे लिटा देते हैं तो वो उसका, क्योंकि back उसकी bed के साथ लग रही है तो बहुत ज़्यादा friction भी cause हो रही होती है, इसलिए traction इतनी proper नहीं आती. इस चीज़ को avoid करने के लिए, friction को reduce करने के लिए जो सेटअप होता है उसमें स्प्लिट टेबल यूज किया जाता है. अब स्प्लिट टेबल कैसा होता है आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ. कॉमन बेड ही है लेकिन उसका ये होता है कि थोरेक्स का रीजन ऊपर पड़ा होता है और जो उसका लंबर रीजन है वो थोड़ा नीचे वाले बेड पे होता है ताकि वो स्प्लिट हो सके और फ्रिक्शन जो है ये रिड्यूस हो सके. अच्छा जी, लंबर मैकेनिकल ट्रैक्शन सेल्फ एडमिनिस्टर्ड ऑटो ट्रैक्शन होती है, मैकेनिकल ट्रैक्शन होती है, मैनुअल ट्रैक्शन दे सकते हैं. बेल्ट यूज की जाती है, थोरेसिक स्टेबलाइजेशन हार्नेस एंड पेल्विक ट्रैक्शन हार्नेस. थोरेक्स को आपने कर देना होता है स्टेबलाइज, थोरेक्स को कर देते हैं फिक्स. ठीक है, हार्नेस कहते हैं ये जो आप स्ट्रैप्स बांध के एक चीज को फिक्स कर देते हो. ठीक है, इसीलिए उसको हार्नेस कह रहे हैं.
और पेल्विक ट्रैक्शन हार्नेस, ठीक है, ऊपर थोरेसिक को फिक्स करने के लिए और नीचे पेल्विस के ट्रैक्शन के लिए। क्लिनिशियंस बॉडी वेट मैनुअल ट्रैक्शन में यूज हो रहा है, ये मैनुअल ट्रैक्शन की बेल्ट दिखाई, ठीक है, मैनुअली जो ट्रैक्शन देनी है। लंबर ट्रैक्शन टेंशन अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द बॉडी वेट टेंशन और फोर्स। पेशेंट पोजिशन एंड एंगल ऑफ पुल जो होते हैं शुड मैक्सिमाइज सेपरेशन एंड एलोंगेशन ऑफ द टारगेट टिश्यूज। प्रोन में भी आप दे सकते हैं और सुपाइन में भी दे सकते हैं, इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट कि पेशेंट किस पोजीशन में कंफर्टेबल है। सेकेंडली कोई पैथोलॉजी ऐसी तो नहीं कि आप सुपाइन में नहीं दे सकते, आपको प्रोन में देनी है। स्पाइनल सेगमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स जिनको आप ट्रीट कर रहे हैं वो किस सुपाइन पोजिशन में ईजी रहेंगे या प्रोन पोजिशन में, डिपेंड करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा जी, सुपाइन पोजिशनिंग कैसे है, टेंड्स टू इंक्रीज द लंबर फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्सिंग हिप्स फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री इंक्रीज द लेग्जिटी इन L5 टू S1 सेगमेंट्स। अब वो ये बता रही है कि हिप्स को अगर आप इस डिग्री पे, डिफरेंट डिग्रीज हैं हिप फ्लेक्शन की, पेशेंट सुपाइन लाइन में लेटा है, नीज उसके बेंड हैं, हिप्स उसके फ्लेक्स हैं, अगर हिप्स को आप थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहे हो यानी 45 डिग्री तक फ्लेक्स कर रहे हैं तो फिर L5 और S1 सेगमेंट में सबसे ज्यादा लेग्जिटी आती है। अगर हिप्स को आप 60 डिग्री तक फ्लेक्स कर रहे हो तो लेग्जिटी कहाँ पे आ रही है, L4 और L5 सेगमेंट में ज्यादा लेग्जिटी आ रही है। इसी तरह अगर 90 डिग्री पे आपने हिप्स फ्लेक्स कर लिया, 75 to 90 पे, तो L3 L4 पे ज्यादा लेग्जिटी आ जाती है। और अगर आप 90 डिग्री पे ले जाते हैं पूरे हिप्स को, यानी कि आपने परपेंडिकुलर कर लिए हैं बिल्कुल, तो फिर आपकी पोस्टीरियर इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा है कि आपने कौन से एरिया को टारगेट करना है, आप उतने डिग्री तक उसकी हिप फ्लेक्शन करवाते हैं। प्रोन पोजिशन व्हेन यूज व्हेन एक्सेसिव फ्लेक्शन ऑफ लंबर स्पाइन एंड पेल्विस और लाइन सुपाइन कॉजेज पेन। या तो सुपाइन लाइन में पेशेंट अनकंफर्टेबल है, उसे पेन आ रहा है, उसके सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे हैं सुपाइन लाइन में ट्रैक्शन देने से, ठीक है, तो फिर आप प्रोन पोजिशन में दे देते हैं। ये आ रही है सर्वाइकल ट्रैक्शन। अब ये स्प्लिट टेबल किस तरह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ना टेबल जिस पे ये ले डाउन कर रहा है, बेड है, टेबल है, ये यहाँ से दो पार्ट है इसकी, ये जो अपर पार्ट है ये थॉरेक्स वाला, ये फिक्स्ड है, ठीक है, थॉरेक्स इसके साथ फिक्स होगी। आपने थॉरेक्स को फिक्स करना है ताकि थॉरेक्स मूव ना करे बिल्कुल भी, थॉरेक्स पे कोई ट्रैक्शन या कोई मूवमेंट ना हो थोरेसिक ज्वाइंट्स पे। मूवमेंट कहाँ आना चाहिए, लंबर ज्वाइंट्स पे, लंबर ज्वाइंट्स लंबर वर्टिब्रे पे। हाथ में पेशेंट ने क्या पकड़ा हुआ है, वही सेफ्टी अलार्म पकड़ा हुआ है जिसको बटन को वो प्रेस कर सकता है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट। पेशेंट यहाँ से ट्रैक्शन मशीन में आपने पुट कर दिया है कि इतनी फोर्स से ट्रैक्शन आनी चाहिए इतने ड्यूरेशन के लिए, तो यहाँ पे पेशेंट को लंबर ट्रैक्शन आ जाएगी और ये यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड होगा टेबल के साथ साथ ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, ठीक है, इसीलिए ये स्प्लिट टेबल यूज किया जाता है। Anterior angle of pull increases the amount of lumbar lordosis. Posterior angle of pull increases the lumbar kyphosis. अगर angle of pull को थोड़ा anteriorly रखेंगे upper side पे ऊपर की तरफ तो फिर ये lumbar lordosis को increase करता है। अगर आप posteriorly रख देते हो angle of pull को थोड़ा posterior direction में रखते हो तो फिर ये lumbar kyphosis. Lordosis और kyphosis क्या होते हैं किसी को पता है? पता तो सबको होना चाहिए, कोई बच्चा बताए। मैम लॉर्डोसिस होता है इंटीरियरली जो स्वे बैक होता है एक, ठीक है, आपकी जो स्पाइन होती है वो पहले भी शायद मैं बता चुकी हूँ कि वो स्ट्रेट नहीं होती, वो एस शेप में होती है। सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन थोड़ी सी लॉर्डोटिक होती हैं, कन्वेक्स फॉरवर्ड, और थोरेसिक स्पाइन और सेक्रल स्पाइन थोड़ी सी कन्वेक्स बैकवर्ड या कनकेव फॉरवर्ड होती है, थोड़ी सी काइफोटिक होती हैं, ठीक है, ये लॉर्ड सिम जो एक स्पाइन है वो एस शेप जा रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल जो आपके होते हैं तो वो जो शेप होती है उनकी वो लॉर्डोटिक और काइफोसिस होती है। इंक्रीज कर जाए अगर लॉर्डोसिस या काइफोसिस दैट इज ऑल्सो अ डिजीज, ठीक है, डिफॉर्मिटी होती है। एक नॉर्मल कर्वेचर जो होता है वो मेंटेन रखना चाहिए, अदरवाइज जो है बहुत कॉमन है कि किसी की लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाती है, किसी की काइफोसिस इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, टू मच फ्लेक्शन कैन इम्पिंज ऑन द पोस्टीरियर स्पाइनल लिगामेंट्स। अगर फ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है हिप्स की
तो वो आपके पोस्टीरियर स्पाइनल लिगामेंट्स जो आपके वर्टिब्री के साथ जो स्पाइनल लिगामेंट्स क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उन पे इम्पिंजमेंट हो सकती है. ऑप्टिमल पोजीशन एंड एंगल ऑफ पुल ऑफन डिराइव्ड बाय ट्रायल एंड एरर. किसी भी पेशेंट का हर पेशेंट के लिए सेम नहीं होता कोई भी एंगल या कोई भी पोजीशन. पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है. ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आपको अप्लाई करने के बाद पता चलता है. एक दफा किया फिर थोड़ा सेट नहीं है पेशेंट, फिर दोबारा आपने उसकी थोड़ी सी एंगल चेंज किया उसका पुल का या उसकी जो है आपने फोर्स चेंज की तो फिर जाके वो कंफर्टेबल होगा. और तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे आप एक ऑप्टिमल पोजीशन और ऑप्टिमल एंगल ऑफ पुल डिराइव करते हो. नाउ सेटअप में ये है कि सबसे पहले बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं, उसका फिर हम ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं उसकी ऑलमोस्ट हाफ जो होता है हाफ ऑफ द बॉडी वेट जितना हम फोर्स यूज करते हैं. स्टेबलाइजेशन हार्नेस वही होता है कि आपने थोरेक्स को स्टेबलाइज कर दिया फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ द बेल्ट्स एंड जो उसके ऊपर बेड के या टेबल के ऊपर जो बेल्ट्स होती हैं उससे. पोजीशन ऑन द टेबल पेशेंट की देखनी है. सेट मोड इंटरमिटेंट रखना है आपने या कॉन्टिन्यूस अप्लाई करनी है. ठीक है मशीन में मोड सेट कर दिया फिर सेट कराया आपने ऑन ऑफ रेशो टाइम की 3:1 या 4:1 कितने टाइम के लिए एक ट्रैक्शन आए और फिर कितने टाइम का रिलैक्स या होल्ड टाइम मिले. टेंशन या फोर्स सेट कर दी. ड्यूरेशन सेट की. गिव पेशेंट अलार्म या सेफ्टी स्विच उसको पेशेंट को देना है और पेशेंट को प्रायर टू द ट्रीटमेंट पेशेंट को सब एक्सप्लेन करना है कि आपको यूं फोर्स फील होगी कि कोई आपको खींच रहा है आपके इस एरिया में आपके वर्टिब्री बकायदा आपको फील होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है और सेपरेट हो रहे हैं. ठीक है यानी कि आपको ट्रैक्शन फील होती है. सारा कुछ पेशेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं आप पहले. ठीक है ये फिर इन्होंने एक दिखा दिया लंबर ट्रैक्शन देने का एक सेटअप मैकेनिकल. ठीक है यहाँ पे पेशेंट को डिवाइस के थ्रू ट्रैक्शन दी जा रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिप्स की फ्लेक्शन होगी ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 60 डिग्री तक फ्लेक्स है. ठीक है ये नीज यूं स्ट्रेट ऊपर सपोर्ट के साथ रखे हुए हैं. पेशेंट थोरेक्स पेशेंट की सेफ्टी हार्नेस से फिक्स्ड है. बाकी उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाया हुआ है पिलोज रख के लेकिन उसकी जो ट्रैक्शन है जो पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रीटमेंट है वो नंबर स्पाइन है. ट्रीटमेंट टाइम जनरली 20 मिनट्स फॉर सस्टेन्ड और इंटरमिटेंट ट्रैक्शन 20 मिनट्स देते हैं. डिस्क जो है 8 मिनट्स और लेस इफ सस्टेन ट्रीटमेंट इज यूज. अगर डिस्क हर्निएशन का पेशेंट है तो आप ऑलमोस्ट 8 मिनट्स तक जाते हो या कम देते हो 5 मिनट्स की ट्रैक्शन दे देते हो अगर सस्टेन ट्रैक्शन है. ट्रैक्शन क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स एज वर्टिब्री आर सेपरेटेड पुल डिस्क बैक इन प्लेस. अब डिस्क हर्निएट हो गई थी डिस्क पीछे की तरफ को प्रोट्रूड हो गई थी जब आपने उसको ट्रैक्शन दी है पेशेंट को उसके वर्टिब्री थोड़ा सा सेपरेट होते हैं ट्रैक्शन की वजह से और वो डिस्क जो है बैक अपनी स्पेस में आ जाती है सक्शन इफेक्ट की वजह से. ठीक है सक्शन इफेक्ट इज एलिमिनेटेड विद टाइम एज प्रेशर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इक्वलाइज़ेस. लेकिन फिर पेशेंट उठ जाता है घर जाता है चलना फिरना स्टार्ट करता है आहिस्ता आहिस्ता ये जो सक्शन इफेक्ट था वो डिस्क वापस उस पर प्रेशर आता जाता है तो फिर से थोड़ी सी बल्ज आउट कर जाती है. ये मैनुअली अब दे रही है. देखिए ये सेटअप पूरा वही है. थोरेक्स को फिक्स कर देना है पिलो रख देना है सर के नीचे. पेशेंट सुपाइन लाइन में है उसकी हिप्स जो है वो फ्लेक्स हैं नीज उसके ऊपर स्ट्रेट है सपोर्टेड है लेकिन यहाँ पे मशीन नहीं है तो ये मैनुअल ट्रैक्शन है. यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट अपना वेट अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज कर रही है टू अप्लाई ट्रैक्शन. ठीक है तो ये वाला सेटअप सारा वही होगा चाहे मैनुअली पेशेंट को आप अप्लाई करो ट्रैक्शन क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सेट करके आपने अपनी फोर्स भी लगानी है. सेकेंडली अगर यहाँ से पुलीज और रोप्स के थ्रू यहाँ मशीन से अटैच होते तो फिर मशीन उतना वेट और फोर्स टाइम हर चीज आप उसमें सेटअप कर देते और वो ट्रैक्शन अप्लाई करती. ये अब मैनुअल ट्रैक्शन है. ये मैकेनिकल ट्रैक्शन है जिसमें आपने मशीन के थ्रू पेशेंट को ट्रैक्शन दिया. कॉमन कंडीशंस क्या हैं जिसमें हम लंबर ट्रैक्शन देते हैं. हमारे पास लोअर बैक पेन में दे सकते हैं लंबर डिस्क हर्निएशन में दे सकते हैं डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज में दे सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन हो बैक में तो फिर भी दे सकते हैं शैटिका के केस में दे सकते हैं कि जो नर्व रूट्स इम्पिंज हो रही हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो रिलैक्स हो जाए उन पर से प्रेशर रिलीफ हो सके. ठीक है तो ये आपकी कॉमन कंडीशंस हैं फॉर लंबर ट्रैक्शन. ठीक है ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रैक्शन पढ़ी है और सर्वाइकल और लंबर ट्रैक्शन हमने डिटेल में स्टडी किया. ठीक है क्लियर है सबको. यस मैम. यस मैम.
मैम अगर आप हमें लेक्चर मेंशन कर देती हैं ताकि हमें आसान हो जाता और हमें पता चल जाता बाद में, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मतलब कौन कौन से लेक्चर थे, टॉपिक ये हैं, तो ये इसमें आना है कि नहीं आना ये वो। चलिए बेटा मैं कर दूंगी, वैसे बहुत लेम बच्चे हैं कि अगर आप लोग खोल के देख लें कि कौन कौन से लेक्चर्स हैं तो फिर उसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, नहीं तो मैं लेक्चर नंबर भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है। यस मैम प्लीज कर दीजिए। ओके मैम थैंक यू। ठीक है लेक्चर क्लियर है आज का? यस मैम। चलिए बच्चों ठीक हो गया। मैम ये हमारी लास्ट क्लास थी ना? नहीं बेटा आपका एक लेक्चर अभी रहता है और लास्ट क्लास तो आपकी तब भी नहीं होगी, आपका लेक्चर ट्यूसडे को होगा लास्ट लेक्चर, लेकिन उसके बाद हम जो है क्लास में भी क्लास रखें या फिर हम जो है ना कोई रिवीजन का कोई टॉपिक या कोई इस तरह की चीज में भी रख लें। क्लासेस आपकी अभी चलती रहेंगी, किसी बच्चे ने कुछ समझना हो तो वो मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी नेक्स्ट फ्राइडे होगी। ट्यूसडे को तो आपकी लेक्चर है, ठीक है? 13 आपके लेक्चर है ना, आज लेक्चर नंबर 12 हुआ है। ओके मैम। और फिर मिड्स आपके ऑन कैंपस हैं, आप लोगों को पता चल गया तो सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हो जाएं ताकि आप लोगों को ऑन कैंपस मिड्स देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैम जस्ट एमसीक्यूज ही होंगे? हाँ मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज ही होंगे। ओके मैम। लेकिन अभी मैं कुछ फाइनल नहीं कह सकती क्योंकि अभी ऑन कैंपस हो रही है तो एमसीक्यूज हैं, लेकिन अगर ईसीसी ने कोई पैटर्न बता दिया हमें या एग्जामिनेशन वालों की तरफ से कोई पैटर्न आ गया तो फिर उसी को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन अब तक कोई पैटर्न नहीं पता है तो इस वजह से डिपेंड कर रहा है फैकल्टी के ऊपर, तो मैं तो एमसीक्यूज रख रही हूँ, अदरवाइज अगर कोई पैटर्न आ गया तो फिर वो चेंजेस आ जाएंगे अकॉर्डिंगली फिर होगा। ओके अल्लाह हाफिज़। Love it.